आज हम लेसन पॉपटिस मौत, जो कि अरुण भारती राय द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। मौत एक किस्म का पतंगा होता है, जैसे कि बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई थोड़ी डिफरेंट कलर्स की होती है, मौत एक डल कलर का पतंगा होता है। जे भी सेम फैमिली से बिलोंग करता है जिससे ही बटरफ्लाई बिलोंग करती है। मॉमचिस हैज स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली सून आफ्टर पॉपचिस रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन दिल्ली एंड केम टू लिव इन आईएमएनएम। मोमची जो होते हैं, ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, पॉपची और मोमची, ये दोनों क्या करते थे, मोमची ने कौन सा काम करना शुरू कर दिया, पिकल मेकिंग का। पिकल मेकिंग मैंने अचार बनाने का, कमर्शियली मैंने बिजनेस के तौर पे। जब पापा जी क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस से, जो कि दिल्ली में वो काम करते थे, वो वहां से रिटायर हो जाते हैं, फिर वो अपने गाँव आईएमएनएम में चले जाते हैं। The Quotium Bible Society was having a fair and asked Mamji to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. वो वहां पे एक बाइबल सोसाइटी होती है जहां पर वो रहते थे, वो वहां से उनको एक फेयर होने वाला होता है, वहां पे एक मेला सा लगने वाला होता है, और मामजी को कहते हैं कि आप अपने जो फेमस बनाना जैम है और जो मैंगो पिकल जो आप बनाते हैं वो बना के प्लीज हमें दें। इट सोल्ड क्विकली। जब उन्होंने उनको बना के दिए ये सब चीजें, तो वो वहां पे एकदम से बिक गई। एंड मॉमचीज फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप अप। अब उनको इतने ऑर्डर्स मिलने लगे कि उनके लिए मुश्किल हो गया इन सब को एकदम से करना। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम एंड सून फाउंड हरसेल्फ बिजी ऑल ओवर राउंड। अब उन्होंने, जब उनको लगा कि इतना अच्छा काम उनका चल पड़ा है, तो उन्होंने सोचा मैं इसी काम को आगे बढ़ाऊंगी और इसका बिजनेस शुरू कर दूंगी। और इस तरह से उन्होंने ये पिकल्स और जैम्स का काम शुरू कर दिया, और फिर वो सारा साल बिजी रहने लगे, बिजी ऑल ऑल ईयर अराउंड वो सारा साल बिजी रहने लगे। पॉपची फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इग्नोमिनी पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस ऑफ रिटायरमेंट। वो जो पापजी थे, उनको लगता था, उनको शर्म आती थी ये वाला काम करने में, कि जब वो ये काम कर रही है उनकी वाइफ, तो उनको लगता कि मैं रिटायरमेंट हुआ ऐसा काम करूंगा, शेम शर्मनाक लगता था उनको। ही वाज 17 इयर्स ओल्डर देन मामजी एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही एज एन ओल्डर मैन देन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हिज प्राइम। अब उनको एक बात और भी खलती थी, वो 17 साल अपनी वाइफ मामजी से बड़े थे। ही वाज 17 इयर्स ओल्डर देन मामजी एंड ही रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट। अब उनको लगता था कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और जो मेरी वाइफ है वो अभी भी जवान है, अभी भी लोग उसके इंपॉर्टेंस है दुनिया में। दो मामजी हैज कॉर्निकल कॉर्नियस एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड। इवन कि अभी मामजी को क्या आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी थी, और वो बेचारी थोड़ी सी आंखों से उसको कम दिखने लगा था। पॉपजीज वुड नॉट हेल्प हर विद दी पिकल मेकिंग। पॉपजी सारे दिन अकेले घर पे रहते थे, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं करते थे, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सुटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर। उनको लगता था कि मैं एक हाई प्रोफाइल इंसान हूँ, मैं एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो मेरे लिए पिकल मेकिंग एक सुटेबल जॉब नहीं है। ही हैड ऑलवेज बीन ए जेलस मैन, सो ही ग्रेटली रिसेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वॉज सडनली गेटिंग। और वो हमेशा अपनी वाइफ से हमेशा जेलस करते थे कि उनका काम इतना अच्छा चलता था। ही स्लॉट मूव स्टैंड और सिट इन ए लेजी ड्रॉपिंग वे, मीन्स खड़े रहना ऐसे आलसपन से, एकदम से ऐसे साइड पे और खड़े रहना। ही स्लॉट अराउंड द कंपाउंड इन हिज एमेंचुअली टेलर सूट वेयरिंग सुलन। वो अब वो बरामदे में खड़े थे कंपाउंड में, अपने साइड पे, एक साइड पे खड़े थे, अच्छी तरह से क्लीन क्लीन सूट डाला था, और वीविंग सुलन बैड टेम्पर्ड एंड सिल्की सर्कल्स अराउंड माउंट्स ऑफ द रेड चिलीज। और क्या करते थे आस पास, जो भी वो मामची ने जो भी रेड चिलीज वगैरह वो पापड़ चीजें सुखाने के लिए बरामदे में डाली थी, वो उसके आस पास घूमते जा रहे थे, देख रहे थे कि मामची कैसे काम कर रही है। मामची सुपरवाइज दी बाइंग दी वेइंग दी साल्टिंग एंड दी ड्राइंग, क्या चीजें देख रहे थे कि वो कैसे उसको बाय करती है, कैसे उसको वे करती है, वे हो गया तोलना, साल्टिंग, ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोस, लाइम्स हो गया नींबू, मैंगोस मैंने आम, उन सब चीजों को वो किस तरह से तोलती है, उसको वेट करती है, सब चीजें वो देख रहे हैं, कैसे सुपरवाइज कर रही है। एवरी नाइट ही बीट हर विद ए ब्रास फ्लावर बेस। वो हर रात को मामसी को, जो उनकी वाइफ थी, उसको एक फ्लावर बेस के साथ हमेशा उनको रात को मारते थे। बेस हो गया एक डेकोरेटिव कंटेनर विदाउट हैंडल्स, ऐसा कंटेनर जिसके हैंडल्स नहीं होगा, गुलदस्ता जिसको हम बोलते हैं, टिपिकली मेड ऑफ ग्लास आर चाइना एंड यूज एज एन ऑर्नामेंट ऑफ आर डिस्प्लेइंग कट फ्लावर्स, मीन्स फ्लावर्स को सजाने के लिए हम इसको यूज करते हैं।
दी बीटिंग्स वर नॉट न्यू, जो जो बीटिंग्स थी जो वो मारते थे उनको जो कोई नई नहीं थी, बट वॉज न्यू वॉज ओनली दी फ्रिक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, बट उसमें सिर्फ नया जे होता था रोज की उसकी फ्रिक्वेंसी कि वो कितना उसको मारते थे हर दिन बढ़ता ही जाता था। वन नाइट पापजीज ब्रोक द बो ऑफ मामचीज वायलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर। एक दिन क्या होता है पापजी क्या करते हैं जो वायलिन जो बजाती थी मामची उसका वो तार काट देते हैं, वो भी उसका तार काट देते हैं और उसको नहर में फेंक देते हैं थ्रू इट इन द रिवर। Then Chicago came home for a summer vacation from Oxford. जो उनके बेटे का बेटा था जो कि गर्मियों की छुट्टियों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टियों में घर आया था। He had grown to be a big man and was in those days strong from rowing for Wellen. वो एक जवान लड़का बन चुका था, he had grown to be a big man, वो एक बड़ा लड़का बन चुका था और अब वो थोड़ा और ताकतवर हो गया था क्योंकि उन्होंने जो रेस थी एक उसमें उसने पार्ट लिया था, वो और थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पबजीज बीटिंग मामचीज इन स्टडी। एक हफ्ता हो गया था उसने घर पे आए हुए तो उसने देखा जो पबजी थे वो मामची को मार रहे थे इन स्टडी में ना लाइब्रेरी में उसको मार रहे थे। शिकागो स्ट्रोड वॉक विद लॉन्ग डिसाइसिव स्टेप्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन मींस ऐसे ऐसे चल के वो उनके रूम की तरफ गए, कार्ड पबजीज बेस हैंड एंड ट्विस्ट इट अराउंड हिज बैग। उन्होंने पापजी का हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में उन्होंने बेस पकड़ा हुआ था और ट्विस्ट कर दिया पीछे की तरफ मरोड़ दिया बैक की तरफ। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन ही टोल्ड हिज फादर एवर। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ, उसका बेटा बोलने लगा मैं नहीं चाहता कि आप मेरी माँ को फिर से मारे, ऐसा काम फिर से नहीं होना चाहिए। आई नेवर वांट दिस टू बी हैपन अगेन, ऐसा काम फिर से नहीं होना चाहिए उसने अपने पापा को बोला। फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पापजी सैट इन ब्रामडा, सारा दिन उसके उस दिन जो पापजी थे वो ब्रामडे में बैठे रहे। ब्रामडा हो गया जस्ट लाइक एक पोर्च या जो बाहर आपका थोड़ा सा उसके बाहर जो थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसको आपने थोड़ा कवर किया होता है ऊपर से उसका जो छत होता है वो होता है। एंड स्टेयर्ड स्टोनली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन्स इग्नोरिंग प्लेट्स ऑफ फूड एंड कत्तू मारिया ब्रॉट हिम। और वो बरामदे में बैठे हुए थे और वो जो उन्होंने ऑर्नामेंटल गार्डन जो बाग लगाया था वहां पे उसको वो मोशनलेस बस एक पत्थर की तरह जैसे उसको देखते जा रहे थे और उन्होंने जो कुचू मारिया जो थी जो उसके लिए फूड की प्लेट लाई थी वो भी उसने नहीं देखी, इग्नोर कर दिया। लेट एट नाइट ही वेंट इन टू द स्टडी एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट मैगनी रॉकिंग चेयर। और रात को उन्होंने जब अपनी स्टडी में गए तो उन्होंने वाली चेयर जो उनको बड़ी प्यारी थी उसको बाहर ले आए। He put down in the middle of the driveway and smashed. उन्होंने उनको अपने जो उनका बगीचा था वहां पे उसने उनको रखा और उसको बुरी तरह से उसको तोड़ दिया, स्मैश हो गया बुरी तरह से उसको तोड़ दिया into little bits with a plumber's monkey rack wrench. कोई तोड़ने वाली चीज जो तेज धार की थी उसके साथ उसने उस चेयर को तोड़ दिया। He left it there in a moonlight heap of a varnished wicker एंड स्प्लिंटर्ड वुड। सारी रात वो जो टुकड़े थे तोड़ी हुई चीजों का जो चेयर के टुकड़े वो सारी रात वहीं बिखरे पड़े रहे। ही नेवर टच्ड मामची अगेन। इसके बाद उन्होंने मामची को कभी भी हाथ नहीं लगाया। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। मगर जेनी है कि उन्होंने उसको हाथ ही नहीं लगाया मगर उन्होंने उसके बाद उसको कभी बुलाया भी नहीं जब तक वो जिंदा रहे। ही नेवर स्पोक टू हर आइदर As long as he lived, जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने उसको कभी भी नहीं बुलाया। When he needed anything, he used कोचे मारिया और बेबी कोचे अम्मा as intermediators. जो अगर उनको कोई चीज चाहिए होती थी तो हमेशा वो क्या करते थे इन दोनों को या कोचे मारिया को या जो बेबी कोचे अम्मा थी उनको बीच में मतलब उनको बोलते थे इंटरमीडिएट का वो काम करती थी वो उनको बोलते थे वो आगे बोलती थी उनको चीजें देने के लिए। इसी तरह से सारी उम्र उन्होंने ऐसा ही किया। इन द इवनिंग्स व्हेन ही न्यू विजिटर्स वर एक्सपेक्टेड ही शुड सिट ऑन द बरामदा एंड सू बटन्स दैट वर नॉट मिसिंग इन टू हर शर्ट्स हिज शर्ट। शाम को वो क्या करते थे जब उनको लगता था कि लोग अब आने लगे हैं मतलब कि सामान खरीदने के लिए लोग उनके घर में आते थे he would sit on the veranda, उस बरामदे में बैठ जाते थे और सुई मैंने उनके सुई था सीना और उनकी शर्ट्स के बटन जो टूटे भी नहीं होते थे उनको पकड़ के ऐसे बैठ जाते थे ऐसे ये टूटे हुए शर्ट के बटन था और मैं खुद ही लोगों को दिखाने जैसा दिखाने का दिखाता थे कि जैसे मैं ये इनको खुद ही सिल रहा हूँ मामजी के पास कोई टाइम नहीं है मेरे लिए
मैं इनको खुद ही सब कुछ करता हूँ टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट मॉम जी इज निग्लेक्टेड हिम, और लोगों को फिर ये इम्प्रेशन जो माना जाता था कि मॉम जी उनका ध्यान नहीं रखती है. टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर क्वारियडिंग आई एम मैनम व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स, और लोगों को जो बताना चाहते थे कि अगर वर्किंग वाइफ्स हो तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनका जो हाल होता है वो, क्योंकि बरामदे में बैठते थे तो बाहर गली से सब लोग गुजरते थे और उनको देखते थे कि वो बटनों को सी रहे हैं. ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन म्यूनर. उन्होंने क्या किया था, एक स्काई ब्लू कलर की प्लाईमाउथ, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी एक बूढ़े अंग्रेज से जो कि म्यूनर में रहता था. ही बिकेम ए फेमिलियर साइट इन आई मैनम, ये एक बड़ी फेमिलियर साइट थी, मतलब कि बड़ी जानी पहचानी जगह थी आई मैनम में. कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइडर कार, वाइट कार, वाइट मैंने चौड़ी कार, बड़ी चौड़ी थी वो जो रास्ता था, जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना था बड़ा छोटा सा रास्ता था, नैरो था. लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट, लोगों को दिखा रहे थे कि मैं बड़ा एलिगेंट हूँ, मैं बड़ा सूट बूट में हूँ और मैं दिखाना चाहते मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बट स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड इस सोलन सूट, मगर जो उन्होंने सूट डाला था तब वो क्या था उसके अंदर उनको पसीना आ रहा था, मगर लोगों को दिखा रहे थे कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ. ही वुड नॉट अलाउ मामजी और एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट, और वो जो गाड़ी उन्होंने ली थी उस गाड़ी को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे, ना मामजी को ना और फैमिली किसी मेंबर और किसी भी फैमिली मेंबर को, और इवन टू सीट इन इट हाथ क्या लगाने देना वो किसी को बैठने भी नहीं देते थे उस गाड़ी में. द प्लाईमाउथ वाज पापा जी से रिवेनेज, रिवेनेज होता किसी से बदला लेना, द एक्शन ऑफ हर्टिंग और हार्मिंग समवन, बदला लेना जो किसी को हार्म पहुंचाना, जे जो उन्होंने गाड़ी ली थी वो एक बदला था उनका पापजीज का. पापाजीज हैड बीन एन इम्पीरियल एंट्रीमियोलॉजिस्ट एज ए प्यूसा इंस्टीट्यूट, वो जो पापजीज थे वो क्या क्या थे, एक एंट्रीमियोलॉजिस्ट थे. एंट्रीमियोलॉजिस्ट जो इन कीड़े जो पतंगे वगैरह होते हैं इनके ऊपर वो जो काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वॉज चेंज फ्रॉम एम्पेरियल एंट्रीमियोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर. अब जब इंडिपेंडेंस हुई इंडिया में, आजादी मिली हमें, तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो उनका जो डेजिग्नेशन था द एक्शन ऑफ चॉइस चूजिंग समवन टू एन होल्ड आवर ऑफिस, डेजिग्नेशन होता है आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप ऑफिस में आपकी क्या जगह है, तो उनको क्या होगा वो उनका जो पहले वो उसमें काम कर रहे थे वो अब उसी डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर बन गए एंट्रीमियोलॉजी. Then the year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. जब वो रिटायर होने वाले थे तो तब तक वो डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच चुके थे. His life's greatest setback was not having had the moth that he has discovered named after him. उनकी जिंदगी की सबसे बुरी जो चीज थी जिसकी वजह से उनका मूड ऐसा हो चुका था वो ये थी कि उन्होंने एक मॉथ डिस्कवर किया था, एक पतंगे की जाति डिस्कवर की थी जो उनके नाम पे, वो जो डिस्कवरी थी वो उनके नाम पे नहीं आई, इसलिए जो उनका मूड था हमेशा ऐसा रहता था. इट फेल इन टू हिज ड्रिंक वन इवनिंग वेन ही वॉज सीटिंग इन दी बरामदा ऑफ ए रेस्ट हाउस आफ्टर ए लॉन्ग डे इन दी फील्ड. वो एक दिन क्या होते हैं बैठे थे शाम को अपने रेस्ट हाउस में, जब वो फील्ड से वापिस आए थे तो उन्होंने देखा वो उनकी जो भी पीने वाली कोई चीज थी उसके बीच में वो आ गिरा. एज ही पिक्ड इट आउट ही नोटिस इज अनयूजुअल डेंस डॉर्सल टर्फ्स, जब वो उसके बीच में आके गिरा तो उसने देखा, उसने नोटिस किया, पापजीस ने नोटिस किया कि इसके जो पीछे वाले पंख हैं तो बड़े घने हैं, डेंस डॉर्सल टर्फ्स हो गया, बड़े घने वो पीछे वाले उसके पंख थे. ही टुक अ क्लोजर लुक, उन्होंने उसको बड़े ध्यान से देखा. विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट मियर इट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू इवेपोरेट. अब उन्होंने उसके ऊपर पूरी सर्च की, बड़े एक्साइटेड थे कि अब ये जो मौत है वो उनके नाम पे डिस्कवरी आ जाएगी. देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली, अब वो वापिस गए, पहली ट्रेन उन्होंने पकड़ी वो दिल्ली गए. टू टैक्सोनॉमी अटेंशन एंड ही होप्ड फेम, अब उनको लगा था कि इससे उनको बड़ा फेम मिल जाएगा, लोगों को जानने लग पड़ेंगे. आफ्टर सिक्स अनबेरेबल मंथ्स ऑफ एनॉक्सिटी ए फीलिंग ऑफ वरी नर्वसनेस, एनॉक्सिटी होता है जब आप बड़े नर्वस हो जाते हो, हैर परेशान हो जाते हो. आफ्टर सिक्स मंथ्स अनबेरेबल मंथ्स, अब 6 महीने तक पापजीज इस बात पे चलते रहे कि अब ये जो है फेम उन्हीं को मिलेगा. टू पापजीज अटेंड्स
Disappointed, he was told that his moth has finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that has belonged to the ट्रॉपिकल फैमिली लिम्ब्रिडी। उनको बाद में बोला गया कि ये जो आप बोल रहे हो कि ये उस फैमिली से बिलोंग करता है, ये नहीं, जो डिस्कवरी है ये नहीं है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो मौत है ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है और वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से जो पॉपजी थे उनकी जो भी वो सब टूट गई, उन्होंने जो भी उम्मीदें लगाई थी वो सब टूट गई। The real blow came 12 years later. अब जो एक्चुअल हुआ वो तो 12 साल के हुआ, when as a consequence of a radical taxonomy reshuffle, Lepidopsis decided that Pops's moth was in fact a separate species and a genus he thought known to be unknown to science. अब क्या हुआ, वहां पे reshuffling हुई उनके डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने देखा कि नहीं, जो उन्होंने मौत बोला था कि ये नई फैमिली से है, सचमुच वो नई फैमिली से है, ये उस फैमिली से नहीं है जिसे हमने सोचा था। By then of course Papji has retired and moved to IMLM. तब तक क्या हुआ था, पापजी वहां से रिटायर हो चुके थे उस डिपार्टमेंट से में, और वो अपने गांव IMLM में चले गए हुए थे। It was too late for him to assert his claim to the discovery. और अब ये काफी लेट हो चुका था कि ये जो डिस्कवरी थी उनके नाम पे जाती। His moth was named after the acting director of the Department of Entomology. और अब हुआ क्या कि जो उनका जूनियर था वो जो अब उनकी जगह डायरेक्टर बन चुका था, जब ये रिटायर हुए तो उनकी जगह वो जो डायरेक्टर बन चुका था उसके नाम पे वो डिस्कवरी आ गई। जूनियर ऑफिसर हु पॉपजीस हैज नेवर डिसलाइक्ड हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड, और वो जो जूनियर ऑफिसर था जो अब एक्टिंग डायरेक्टर बन चुका था उस डिपार्टमेंट का, जिससे पापाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अब जो डिस्कवरी उन्होंने की थी वो उनके नाम पे चली गई। यही जो वजह थी जो पापाजी का मूड हमेशा खराब रहता था। इन द इयर्स टू कम इवन दो ही हैड इल ऑनर इल ह्यूमर लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर द मौत, पापजीज मौत वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड्स एंड सडन बूस्ट ऑफ टेम्पर। इन द इयर्स ऑफ टू कम, अब जैसे जैसे साल बीते जा रहे थे, इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड, अब वो उनका जो स्वभाव था वो इरिटेबल हो गया था, इरिटेट हमेशा रहते थे। ही डिस्कवर लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर दी मौत, पापजीज मौत वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये सारा जो ब्लैक मूड थे, जो उनका मूड खराब रहता था, ये सब इसी वजह से था कि जो उन्होंने मौत डिस्कवर की है वो उनके नाम पे नहीं थी। इट्स प्रीनिशियस घोस्ट ग्रे फरी एंड विद अनयूजुअल डेंस वॉज ऑफ हंटेड एवरी हाउस दैट ही हैव एवर लिव्ड इन। इट टॉर्मेंटेड टॉर्मेंटेड ऑफ द कॉस्ट टू एक्सपीरियंस सर्व मेंटल और फिजिकल सफरिंग, मीन्स अगर आपको किसी तरह की मेंटल या फिजिकल कोई आपको सफरिंग देता है, हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रन चिल्ड्रन अंटिल द डे ही डाइड इवन इन द स्टिफलिंग, जब तक उनकी डेथ हुई, इवन द डे ही डाइड, जिस दिन उनकी डेथ हुई, इवन इन द स्टिफलिंग, स्टिफलिंग होता है गर्म कमरा जिसके अंदर बहुत गर्मी हो, आई मैनम हीट इव एवरी सिंगल डे पॉपजीज वोर ए वेल प्रेस्ड थ्री पीस सूट एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच। वो हमेशा क्या करते थे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई हमेशा क्या करते थे, जिस कमरे में रहते थे बहुत गर्मी थी फिर भी वो थ्री पीस सूट डाल के और अपनी जो उसकी गोल्ड पॉकेट वॉच थी वो हमेशा अपने साथ रखते थे। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज कॉन्गलेन एंड सिल्वर हेयर ब्रश, और उनके वहां हमेशा उनके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उनका हेयर ब्रश पड़ा रहता था, और उसके साथ ही उनकी पिक्चर थी, कैप्ट ए पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज ए यंग मैन, जब वो जवान थे उनकी पिक्चर जो थी वहां पे हमेशा पड़ी रहती थी। विद हेयर स्टिल डाउन टेकन इन ए फोटोग्राफ स्टूडियो इन वियना वेयर ही हैड डन द सिक्स मास डिप्लोमा कोर्स दैट हैज क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। जो फोटो थी उन्होंने कब खिंचवाई थी, जब वो सिक्स मंथ का कोर्स कर रहे थे, जिस कोर्स को करने के बाद उनको जे वाला डिपार्टमेंट मिला था, जे वाली नौकरी मिली थी, उन्होंने तब वो फोटो खिंचवाई थी। अब वो उस फोटो को हमेशा अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सजा के रखते थे। इट वॉज ड्यूरिंग दोस फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वियना देयर मॉम शी टुक हर फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन। जब वो सिक्स मंथ का कोर्स कर रहे थे तभी मॉमची वहां पे जब उनके साथ थी तो उन्होंने वायलिन सीखना वहीं से सीखा। The lessons were abruptly discontinued when Mamchi's teacher, तो ये हुआ क्या कि जो वो सीख रही थी, जब मामची की टीचर ने बताया एक दिन पापा जी को कि that his wife was specially talented,
एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लास कि उनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है वायलिन बजाने में, तो पापी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनकी जो क्लास थी वो वहां से छुड़ा दी। ममचीज पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापजीज डेथ। अब ममची ने अपनी डायरी में अपने जो फोटोग्राफ एल्बम थी उनमें उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस की एक कटिंग लगाई थी जिसमें बताया गया था कि जो पापजी है उनकी डेथ हो चुकी है। नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री वेनियन जॉन एप सन ऑफ लेट आर बी एन जॉन एप ऑफ एम एन एम सफर ए मैसिव हार्ट अटैक एंड पास्ड अवे एट दी कोटेमम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट। उसमें लिखा गया था कि जो जे पापजी थे वो अब एक सर्व हार्ट अटैक उनको आया था और उन्होंने जो जनरल हॉस्पिटल था वहां लास्ट नाइट उनकी डेथ हो गई। ही डेवलप्ड चेस्ट पेन एट अराउंड 1:05 AM एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल। उनके चेस्ट में पेन ज्यादा एकदम से और उनको रात को 1 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया। दी एंड केम एट और 2:45 AM और उनकी मृत्यु हो गई 2:45 AM। श्री आई पे हैज बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 months और उनकी जो हालत थी वो पिछले 6 महीनों से खराब चल रही थी। ही सर्वाइव बाय हिज वाइफ सोसियम्मा एंड 2 चिल्ड्रन और उनके पीछे उनकी एक वाइफ और उनके 2 बच्चे रह गए हैं। एट पापजीज फ्यूनरल मामची क्राइड एंड हर कॉन्टेक्ट लेंसेस स्लिड अराउंड इन हर आईज। जब वो पापजीज की फ्यूनरल थी अर्थी जा रही थी तो मामची बड़ा रो रही थी और उनके जो लेंसेस थे वो भी जो जो उनकी जो उन्होंने एनक डाली थी वो भी उनकी आंखों से नीचे गिरी थी बार बार। अमू टोल्ड द ट्विंस दैट मामची वाज क्राइंग मोर बिकॉज शी वाज जूस टू हिम देन बिकॉज शी लव्ड हिम। अमू कहती है कि मामची बहुत रो रही है इसलिए रो रही है क्योंकि वो अब उनकी जो पापजी थे उनकी जूस टू हो चुकी है, ना कि वो उनसे प्यार करती थी, सिर्फ वो उनके साथ रहते थे उनकी वो जूस टू हो गई थी इसलिए वो रो रही थी। शी वाज जूस्ड टू हैविंग हिम स्लॉचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री एंड वाज जूस्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे वो जो पिकल फैक्ट्री जो वो पिकल बनाती थी तो उसके आसपास वो उसको ढूंढते ही रहते थे सारा दिन और रात को उनको मारते थे इसलिए उनको आदत हो चुकी थी उनकी, इसलिए वो मामती आज रो रही है। अम्मू सेड दैट वुमन बीइंग्स वर क्रिएटर्स ऑफ हैबिट एंड इट वाज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज्ड टू। अम्मू कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनको हैबिचुअल हो जाते हैं किसी भी चीज पे और इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको वो यूज्ड टू हो जाते हैं उनके। यू ओनली हैव टू लुक अराउंड यू, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है अपने आसपास। अम्मू सेड टू सी डेड बीटिंग्स विद फ्लावर बेस वर द लीस्ट ऑफ देम। अम्मू कहती है जो फ्लावर बेस से वो उनको मारते थे वो कोई वर्दी लीस्ट ऑफ देम, वो उनकी आदत हो चुकी थी वो मर चुके हैं अब ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है और ना कि वो उनसे प्यार करती थी बल्कि उनकी जूझ हो चुकी थी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे क्लिक कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में इस लेसन में पॉपिस मार्क में कोई प्रॉब्लम है तो अपने डाउट्स या अपनी क्वेरीज कमेंट्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उनको कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।